दोस्तों, क्या आप भी इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी बनाना चाहते हैं? अगर जो आपको नहीं आता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप भी इंस्टाग्राम पे आईडी बना के अपनी वीडियोस, अपनी फ़ोटोज़ सब कुछ शेयर कर सकते हैं और लाइक, कमेंट सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया है। इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना होगा? अब आपको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इसका खुलेगा। तो देखिए, थोड़ा नेट स्लो है और ये बफरिंग कर रहा है, लेकिन अभी जल्दी से ही खुल जाएगा। तो दोस्तों, अब इसमें क्या आता है? इसमें कुछ इस प्रकार से ही ऐसे दिखाई देता है। तो मान लीजिए आपका पहले से ही कोई आईडी इंस्टाग्राम पे बनी है, तो आप उसका ईमेल या फिर अपने मोबाइल नंबर से या फिर यूजर नेम से आप डाल के यहाँ पे पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के आप बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप एक न्यू क्रिएटर है और आप चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल नंबर से या फिर जीमेल आईडी से आप इसको लॉगिन करें, आप क्या करेंगे? सबसे नीचे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे। क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब देखिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा है, तो मोबाइल नंबर में आप जाएंगे बड़ी आसानी से। आप अपना मोबाइल नंबर जिससे भी आप इंस्टाग्राम आईडीज लॉगिन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, या आपका जो भी पर्सनल मोबाइल नंबर हो आप इसमें डाल लेंगे, तो मोबाइल नंबर आप इसमें इंटर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा मोबाइल नंबर और हमने अपने मोबाइल नंबर को पूरा टेक्स्ट कर लिया है इसमें मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में। तो अब क्या करेंगे? जब आप अपने मोबाइल नंबर टेक्स्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पर इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के सामने बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? आप अपना जिस नाम से भी आप अपने आईडी चलाना चाहते हैं, तो उस नाम से आप जाके यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। मतलब इंस्टाग्राम में आपका नाम दिखाएगा वही नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो मान लीजिए जैसे आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उसका नाम है टेक यूट्यूबर सुनील। हमने यहाँ पे अपना नाम मतलब अपने चैनल का ही नाम डाल दिया है, टेक यूट्यूबर सुनील। अब नाम डालने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने बाहर आ जाएगा। यहाँ आपको अपना पासवर्ड लगाना है, मतलब कोई भी आपका पासवर्ड हो जो अपने मन से आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप अपने मन से यहाँ पे जाके बड़ी आसानी से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कोई भी पासवर्ड यहाँ पे हम इंटर करते हैं, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे डाल दिए हैं, और डालने के बाद जैसे आप अपना पासवर्ड डाल दिए, तो आप इसको बड़ी आसानी से जाके देख भी सकते हैं कि हमारा पासवर्ड सही है डाले या गलत। तो यहाँ पे सी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आंखें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे शो करने लगेगा, जैसे मेरा नाम है सुनील, सुनील 2762 एट द रेट करके हमने पासवर्ड डाला। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस खुल के सामने ऐसे ही बिल्कुल आ जाएगा। ऊपर लिखा है सेव, नीचे लिखा है नॉट नाउ। तो आप अपने लॉगिन को जो इसमें सेव करना चाहते हैं या फिर सेव करके छोड़ देना चाहते हैं, सेव करके आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे तब आपको बार बार पासवर्ड क्रिएट नहीं करना होगा। मतलब बार बार आपको पासवर्ड सीधे इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी पूरी ओपन हो जाएगी तुरंत। लेकिन अगर जो आप यहाँ पे नॉट नाउ करते हैं तो अब क्या होगा? वहाँ पे होगा कि आपको बार बार पासवर्ड जाके डालना होगा। तो जैसे मुझे क्या करना होगा, मैं पासवर्ड डालूंगा, क्योंकि कोई हैक कर लिया तो मेरा फोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ शेयर कर लेगा अपने में, या फिर कोई फालतू वीडियोज़ फ़ोटो चढ़ा देगा उस पर। तो हम इस पर नॉट नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ जैसे जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो आप जाके बड़ी आसानी से यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लिए हैं। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें सेट कर लेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे बीच वाला मंथ का ऑप्शन है और जो सबसे लास्ट वाला वो ईयर का ऑप्शन है, और इसके जो पहले वाला डे का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ मतलब पूरा बायोडाटा यहाँ पे
जो DOP है, DOB है, वहाँ पे जाके आप सेट कर लेंगे, और उसके बाद सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक यूट्यूबर सुनील यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ परमिशन मांग रहा है, एग्री टू इंस्टाग्राम टर्म एंड पॉलिसीज, जो इसकी सारी बहुत पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, वरना हमारा जो होते ही आईडी बैन कर दी जाती है। कुछ वल्गर्स फोटोज वीडियोस अगर जो हम उस पर चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हम आई एग्री कर ले। तो दोस्तों जैसे ही हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखिए ओपन हो जाएगा। अब आपकी आईडी पूरी ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रील्स है, पोस्ट है, यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर जो आपको भी अपना फोटोज वीडियोस जो भी आपको पोस्ट करना हो इंस्टाग्राम में, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सबसे पहले योर स्टोरी पे। योर स्टोरी के जाने के बाद आपके देखिए गैलरी यहाँ पे खुल जाती है। गैलरी खुलने के बाद जो भी चीज़ें आप यहाँ पे है, आप जाके बड़ी आसानी से आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। जो भी फोटोज़ वीडियोज़ है यहाँ पर आप जाके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और आप पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पर करना चाहते हैं, तो आप देखिए बगल में कैमरे का ऑप्शन है, तो कैमरे के ऑप्शन पर जाके आप डायरेक्ट वीडियोज़ या फोटो खींच के आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बड़ी आसानी से आप पोस्ट कर सकते दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ पे जाके किसी को फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखिए जो इंस्टाग्राम लिखा है उसके ऊपर देखिए जो हर्ट्स वाला मतलब दिल वाला जो सिंबल बना है, यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे। बाद बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पे आए हैं फॉलो करने के लिए, तो आप यहाँ पे जाके उनको बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए फॉलो करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन जाएगा कि आप किन किन को फॉलो कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँचेगा, वो भी आपको फॉलो कर लेंगे, तो ऐसे ही आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। करेंगे आप किसी के वीडियोज़ पर आप देख रहे हैं तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। जैसे इनका वीडियोस है, अगर जो हम इन्हें लाइक करना चाहें या फिर किसी को भी यहाँ पे हम लाइक करना चाह रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आप जाके इनको भी यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। तो देखिए हम इनको मान लीजिए यहाँ पे लाइक किए, तो देखिए लाइक ऐसे वीडियोस आप लाइक कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो उनके नीचे जाके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंस्टाग्राम की न्यू आईडी, हमने आपको बना के दिखाई। तो आप इसी प्रोसेस में फॉलो करके आप भी इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बना सकते हैं। अभी सब बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।